माइनक्राफ्ट के टॉप 5 ब्लॉक आज हम रियल लाइफ में देखने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। जितना यूज उनका माइनक्राफ्ट के अंदर नहीं होता है, उससे भी ज़्यादा उनका यूज रियल लाइफ में किया जाता है। और लास्ट वाला तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आप देखकर भी शॉक्ड रह जाओगे। बट उससे पहले आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो 2 एपिसोड मैंने डाल दिए इसी टॉपिक के, तो उनको प्लीज से जाके पहले चेक कर लेना। लेकिन उससे पहले आज का शॉर्ट आउट किसी को भी नहीं जाता है, किसी भी प्लेयर ने कमेंट नहीं किया। पहले पुराने वाले जो शॉर्ट आउट थे मैंने उनको वीडियो में दिखा दिया, बट न्यू शॉर्ट आउट आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बता दूंगा। तो अपना सबसे पहला ब्लॉक है एक ग्रास ब्लॉक जो होता है, इसके ऊपर थोड़े टाइम बाद आइस, यहाँ पर आइस बायोम रहता है, उसके ऊपर ये आइस जम जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप का दिखाई देने लगता है, मतलब ग्रास ब्लॉक आइस ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर हल्की हल्की आइस जम जाती है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर गायब हो रही है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ही ज़्यादा है। तो अपन इसको सही तरीके से फिक्स करते हैं। और रियल लाइफ में ये इतना ज़्यादा यूनिक दिखाई देता है, मतलब पहले तो अच्छे से देख लो कि थोड़ा डर्ट ब्लॉक है और इसके ऊपर हल्की हल्की आइस जमी हुई है। और अपन इसी चीज़ को रियल लाइफ में देखें ना तो इतना बेस्ट दिखाई देता है। मतलब ये देखो आप क्या, इसके ऊपर थोड़ी सी डर्ट है नीचे और आइस भी जमी हुई है, कितना मज़ा आता होगा यार यहाँ पर। बट ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और इसको भाई रियल लाइफ में ऐसा ही है और माइनक्राफ्ट में कॉपी करके डाला गया होगा। बट अपन सेकेंड चीज़ देखते हैं। सेकेंड चीज़ देखने से पहले भाई वो इतनी ज़्यादा यूनिक चीज़ है कि आप भी शॉक्ड रहने वाले हो। ये मैग्मा ब्लॉक, आखिर मैग्मा ब्लॉक माइनक्राफ्ट में कैसे आ सकता है? क्योंकि ये भाई कुछ रियल टाइप का नहीं होता। जैसे अपनी रियल लाइफ में मैग्मा ब्लॉक को अपन लावा बोल सकते हैं क्योंकि अपन माइनक्राफ्ट में जब भी मैग्मा ब्लॉक के ऊपर खड़े होते हैं तो अपन को डैमेज मिलने लगता है, और थोड़ा स्विच होकर खड़े रहते हैं तो कोई भी डैमेज नहीं आता है। मतलब ये अगर रियल लाइफ में वर्क करे तो कैसा रहेगा, क्योंकि अगर अपन रियल लाइफ में कोई भी लावा ब्लॉक के ऊपर खड़े होते हैं तो अपनी बाट लग जाएगी। लेकिन माइनक्राफ्ट का लावा ब्लॉक कुछ इस तरह दिखाई देता है रियल लाइफ में। दोनों ही बेस्ट है, बट कौन सा कॉपी और कौन सा रियल ये तो आप ही बता सकते हो मुझे कमेंट करके, और कौन सा वाला बेस्ट लगता है आपको वो भी मेरे को बता देना। बस नेक्स्ट वाला ब्लॉक है आइस। आइस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अपन इसको मैग्मा ब्लॉक के ऊपर रख देते हैं, आखिर मैग्मा ब्लॉक तो एक लावा ब्लॉक है जिसके ऊपर लावा है, और आइस वही वाटर मतलब जहाँ पर कम टेम्परेचर रहता है वहाँ पर आइस जम जाती है, तो आइस तो पिघल जानी चाहिए। बट ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, और रियल लाइफ की आइस ऐसी दिखाई देती है जो आपने देख ली होगी। तो मतलब थोड़े टाइम तक मैं वेट करता हूँ कि भाई ये आइस पिघल जानी चाहिए क्योंकि पीछे साइड मैग्मा है और आगे आइस उसी के ऊपर रखी रही है। लेकिन बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा भाई, ये क्या ही जलवे है माइनक्राफ्ट के अंदर। बट और भी देर तक मैं वेट करता रहता हूँ, 1 से 2 मिनट हो जाते हैं और थोड़े टाइम बाद ये आइस पिघलने लगती है। मतलब मैं तो सही है भाई, क्योंकि जो लावा ब्लॉक है मैग्मा वाला वो आइस पर थोड़ा सा प्रेशर डालता है तब जाके वो पिघल जाता है, पानी बन जाता है, तो ये थोड़े देर बाद भी चेंज हो जाएगा। बट ये जो अपना आयरन ब्लॉक है इसके बिना माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि सबसे पहला आर्मर अपन जो क्राफ्ट करते हैं वो आयरन का ही रहता है। आयरन के अलावा अपन दूसरा आर्मर क्राफ्ट करते ही नहीं है। और ये रियल लाइफ में आयरन ब्लॉक कुछ इस तरह दिखाई देता है, मतलब इस पर पत्थर है और थोड़ा थोड़ा हल्का इसके अंदर आयरन भी रहता है। तो अपना भाई मिथ तो बहुत ही सही है, बटे वाला जो अपन ने आयरन वाला बात किया, आयरन तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर चीज़ है अपने माइनक्राफ्ट के अंदर। बट नेक्स्ट ब्लॉक भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, मतलब जो हनी रहती है माइनक्राफ्ट में, तो हनी ब्लॉक अक्सर अपन अगर कोई भी पेड़ को स्पॉन कराते हैं मतलब बोन मील की मदद से उगाते हैं और उसके बाजू में कोई भी छोटा सा अगर पौधा लगा दे जो भी फ्लावर्स रहते हैं तो उसके ऊपर हनी होने के 99% चांसेस रहते हैं, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। जैसे अपन यहाँ पर एक इसको लगा दे फ्लावर को और उसके बाजू में पेड़ को, तो यहाँ पर एक हनी होना था बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी हनी नहीं दिख रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने भाई कोई भी कॉपी नहीं किया, मैंने 2-3 वीडियो में ऐसा सुना है कि अगर कोई भी अपन सैपलिंग लगाएं और उसके बाजू में कुछ फ्लावर्स लगा देते हैं तो हनी स्पॉन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं रहा, मैंने 2-3 बार यूज़ किया, एक बार यूज़ और कर लेते हैं अपन, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई अपन खुद ही इसको लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर है, इसी के बाजू में सैपलिंग को लगा के बोन मील मारते हैं तो ये नहीं हो रहा भाई। मैं सोच रहा हूँ कि सर्वाइवल में ट्राई करो, बट ये देखो क्या दिखा भाई मुझे, यहाँ पर दूर ही भाई एक हनी ब्लॉक दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों में ही 19-20 का ही फर्क है, सिर्फ 20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। अभी इस वाली हनी को देखो, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी वो मधुमक्खी रहती है, उनका डैमेज इतना ज्यादा है, पॉइजन अटैक,
कि अपनी बैंड बज जाती है उनसे बचते बचते, और बहुत ही ज़्यादा रहे तो वो अपन को मार भी देती है, बट उतना ज़्यादा अटैक नहीं है कि वो अपन को मार दे, बट रियल लाइफ वाली इतनी ज़्यादा डेंजर होती है ना कि आप भी देखो, हनी जो रहता है बहुत ही बेस्ट लगता है रियल लाइफ में देखने के लिए, और वीडियोस में तो भाई मज़ा ही आ जाता है जितना उसका अच्छा वाला टेस्ट रहता है। और माइनक्राफ्ट का न्यू अपडेट आया जब से इस हनी ब्लॉग का भी यूज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, आपको कौन सा वाला लगा खटाखट से कमेंट कर देना।